वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस आंसर्स बचे हुए थे इसके ट्रू फॉल्स पेज नंबर 52, उसको आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आंसर तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टू, व्हाट आर द थिंग्स दैट गौरी डिड इन द विलेज, है ना। व्हाट आर द थिंग्स दैट गौरी डिड इन द विलेज, यानी कि गौरी जो है वो अपने गांव में क्या करती है। वो चीज नीचे दिया हुआ है, जो सही होगा उस पर टिक करना है, टिक द करेक्ट सेंटेंसेज, है ना। हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा है तो मालूम ही होगा कि गौरी क्या क्या करती है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, सी लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, है ना। सी लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये ट्रू है क्योंकि उन्होंने गौरी जो है अपने दादा को दिखाई थी लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। वो उसके दादा उसको याद दिलाते हैं, तो ये सही है। फर्स्ट जो है आपका वो आपका सही है। ए टू का फर्स्ट जो है वो आपका वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, सी कुड गेज द एट फ्लावर्स, नो स्टार्स, है ना। टू का फॉल्स। थर्ड है, सी वुड थिंक अबाउट नेचर्स मिस्ट्री लाइक सी वी रमन डिड, यस वो बोली थी, है ना। सी लाइक सीइंग थिंग्स बाय हरसेल्फ, यस करेक्ट। नेक्स्ट फाइव, सी क्लिम ट्रीज इन द स्पोर्ट्स पीरियड एट स्कूल, यस। अब देखिए और थिंक एंड आंसर है, ये आपको खुद से करना है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B1, द वेदर ऑफ ए डे इज समटाइम्स सनी और विंडी और रेनी, लुक दिस पिक्चर्स एंड राइट द काइंड ऑफ डे इट इज, चूज फ्रॉम द दिस वर्ड्स। अब देखिए कह रहा है कि मौसम जो होते हैं कभी कभी जो है धूप वाले भी होते हैं, वर्षे वाले भी होते हैं, और हवा वाला भी होता है। तो यहाँ पे वो सारा पिक्चर्स दिया हुआ है ना, और यहाँ पे ऊपर में वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे सन्नी मीन्स धूप वाला दिन, रेनी यानी वर्षा वाला, स्नोई मतलब जब बर्फ होता है ठंडे का समय, लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है, और विंडी मीन्स हवा आंधी जो आता है तूफान, तो ये हवा जब चलती है तो उस समय का मौसम। तो यहाँ पे फाइव फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। तो फर्स्ट फिगर जो हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो वो क्या है, वो रेनी वाला रेनी है, ठीक है, यानी रेनी सीजन्स का है, यानी बरसे वाले दिनों का है। तो फर्स्ट में जो है आपका क्या हो जाएगा, रेनी, RAIN Y, रेनी। सेकेंड फिगर जो है ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक आदमी है और जो कि स्वेटर मफलर और टोपी उपी सब लगाए हुए है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये आपका स्नोई सीजन है, स्नोई टाइम है, है ना, ये स्नोई मौसम है। और पीछे क्रिसमस का भी ट्री है, यानी क्रिसमस के टाइम का है, तो इसका मतलब ये हुआ क्रिसमस जो है वो 25 दिसंबर को होता है, जिस टाइम ठंडा होता है। चलिए अब थर्ड हम लोग देख रहे हैं, जो फिगर है जिसमें एक लड़की है जिसका ड्रेस जो है कपड़ा और हेयर हम लोग देख रहे हैं कि उड़ रहा है, यानी ये हवा वाला है, विंडी है, WINDY, विंडी। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं फिगर नंबर 4, है ना, फिगर नंबर 4, इसमें देख रहे हैं कि सन निकला हुआ है ना, यानी ये सन्नी डे है। क्या है, सन्नी, SUNNY,
वाई सनी, फाइव। अब नेक्स्ट जो है लास्ट, अब एक ही बचा है तो वो क्या हो जाएगा, लाइटनिंग, एल आई जी एच टी एन आई एन जी, लाइटनिंग। तो ये आपका हो गया बी टू, बी वन का फर्स्ट में रेनी, सेकेंड स्नोई, थर्ड विंडी, फोर्थ सनी एंड फाइव लाइटनिंग। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी टू। ओके, सर्किल द ऑड वर्ड इन ईच सेट। अब जो है सर्किल करना है ऑड वर्ड इन ईच सेट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी एक में चार चार वर्ड दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर वन में भी चार वर्ड्स हैं, उनमें से एक वर्ड को ऑड जो वर्ड होगा उनको ढूंढना है। ऑड मतलब अलग जो होगा, जैसे इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो है क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल आप लोग जानते ही हैं, रेन मतलब वर्षा, और थंडर मतलब जो ऊपर बरसात के दिनों में जो बिजलियां चमकती है, ठनके ठनकते हैं उसको हम लोग थंडर बोलते हैं, एंड सन, सन का मतलब होता है सूरज। अब देखिए यहाँ क्लाउड, रेन एंड थंडर ये तीनों एक हैं, है ना, और सन जो है वो लाइट देता है, प्रकाश देता है, उसमें हीट होती है, तो ये अलग हो गया आपका, सन जो है अलग हो गया, यानी सन जो है वो ऑड है ना, ऑड वर्ड है, और क्लाउड, रेन और थंडर ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बरसात के दिनों में बादल होते हैं, वर्षा होती है, बिजलियां चमकती हैं, तो ये तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं, मिलते जुलते हैं, और सन जो है वो अलग है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, और बी टू का जो है आपका फर्स्ट में सन हो जाएगा, इसको सर्किल करना है ना, बी टू का जो है फर्स्ट में आपको सन, सेकेंड जो वर्ड है हम लोग देख रहे हैं वो है पेन, इरेजर, क्रेयॉन एंड पेंसिल। देखिए यहाँ पे पेन, इससे हम लोग लिखते हैं, क्रेयॉन इससे कलर करते हैं, पेंसिल इससे भी लिखने का काम होता है, और इसमें एक वर्ड है इरेजर जो सेकेंड है, ये काम है, इनका काम है मिटा देना, यानी पेन, क्रेयॉन और पेंसिल से इनका काम अलग है, तो ये ऑड हो गया, ये तीनों का काम लिखने का है और इरेजर का काम मिटाने का है, इसलिए ये ऑड हो गया। तो सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, इरेजर, ई आर ए एस ई आर, इरेजर। ओके, अब थर्ड जो है उसमें कौन कौन से वर्ड हैं, देखिए फर्स्ट है सी मतलब समुद्र, रिवर मींस नदी, पॉन्ड मींस आपका तालाब, और हिल्स मतलब पहाड़ियाँ। तो ये सी, रिवर और पॉन्ड इन सब में क्या होता है, वाटर होते हैं, पानी होते हैं, और हिल्स जो है वो पहाड़ी हैं, तो ये अलग हो गया आपके, थर्ड हिल्स होगा, इसमें हिल्स जो है आपका ऑड हो गया। नेक्स्ट है प्ले, स्लीप, रन, जंप, है ना, तो इसमें प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, जंप मीन्स कूदना, ये सब एक जैसे हैं, है ना, और ये सब एक है, और स्लीप का मतलब होता है सोना, तो ये इसमें वर्ड जो है स्लीप ये अलग हो गया, ये ऑड हो गया, है ना, तो ये आपके सब ऑड वर्ड हैं, फर्स्ट में सन, सेकंड में इरेजर, थर्ड में हिल्स एंड फोर्थ में स्लिप, ये सब ऑड वर्ड हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 54, ग्रामर गाइड। ओके, तो कह रहा लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस, नोट यूज ऑफ हाईलाइटिंग हाईलाइटेड वर्ड्स। अब जो है यहाँ पे कह रहा लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। ओके, और यहाँ पिक्चर देखना, जैसे इस फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें वो देखिए कि इसमें लिखा हुआ है, उसके नीचे आई एम ईटिंग मैंगोज, आई एम ईटिंग मैंगोज, यहाँ पे एम और ईटिंग वो हाईलाइट किया गया है। ओके, सेकेंड है तरुण इज रनिंग, तरुण इज रनिंग, यानी कि यहाँ पे इज और रनिंग को हाईलाइट किया गया है। और थर्ड है रोहन एंड मीना आर टॉकिंग, और ये जो थर्ड फिगर है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आर टॉकिंग को हाईलाइट किया गया है। तो ये सब क्या है, द वर्ब्स एम ईटिंग, इज रनिंग,
आर टॉकिंग और शो एक्शन, ये क्या बताते हैं, एक्शन को दिखाते हैं, डेट्स आर हैपनिंग नाउ, जो कि अभी हो रहा है, यानी अभी जो कार्य हो रहा है उसको ये दिखा रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं कि आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं अभी मैंगो खा रहा हूँ। तरुण इज रनिंग, यानी तरुण जो है दौड़ रहा है। रोहन एंड मीना आर टॉकिंग, यानी रोहन और मीना जो है बातें कर रही है। तो एम ईटिंग, इज रनिंग, आर टॉकिंग, ये जो वर्ब्स हैं ये एक्शन को दिखा रहे हैं, और ये एक्शन जो है अभी, जो कि अभी हो रहा है ना, दैट आर हैपनिंग नाउ। तो देर आर मेनी वेज ऑफ चेंजिंग ए वर्ब, तो हम लोग वर्ब को कई तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वे ऑफ चेंजिंग ए वर्ब इज टू एड आईएनजी, और सबसे जो कॉमन है उसमें क्या है कि हम लोग किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा के जो है वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसे रन में रनिंग हो गया, ईट में ईटिंग हो गया, आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया, ईटिंग हो गया, है ना। टॉक में आईएनजी लगा दिए तो टॉकिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एड आईएनजी, यानी आईएनजी को ऐड करते हैं तो वर्ब का और जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे रीड, आर ई ए डी, तो इसमें हम लोग अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो वो रीडिंग हो जाएगा, ओके। ईट, ईटिंग हो गया, लाफ, लाफिंग हो गया, ओके। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, उनको देखिए। रीड दीज स्टेप्स टू फॉलो व्हेन एडिंग आईएनजी टू ए वर्ब, रीड दीज स्टेप्स टू फॉलो व्हेन एडिंग आईएनजी वर्ब्स, यहाँ पे कुछ जो है स्टेप्स दिए हुए हैं आईएनजी फॉर्म को ऐड करने का, कि आईएनजी फॉर्म हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ओके। तो फर्स्ट है, फॉर वर्ड्स दैट एंड्स विथ ए साइलेंट ई, ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी, ओके। करा फॉर ड्रॉप, फॉर वर्ड्स दैट एंड विथ ए साइलेंट ई, ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी। अब करा वैसे वर्ड्स के लिए जो इसमें ई साइलेंट होगा, है ना, तो उसमें क्या करना है, ई को ड्रॉप कर देना है और वहाँ पे आईएनजी लगा देना है। जैसे हम लोग एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं कि स्माइल, एस एम आई एल ई, तो यहाँ पे ई जो है वो क्या है, साइलेंट है आपका, अब देखिए यहाँ पे एस एम आई एल ई, स्माइल, तो जब हम लोग स्माइल बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें ई जो है साइलेंट होता है, ई क्या होता है, साइलेंट होता है। तो ऐसे वर्ड्स में हम लोग क्या करेंगे, आई एन जी कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस एम आई एल और ई को हटा देंगे, जो साइलेंट होता है उसको ड्रॉप कर देंगे, यानी वहां से हटा देंगे, गायब कर देंगे, और उसकी जगह पे आई एन जी एड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, स्माइलिंग। नेक्स्ट, जैसे एस ए आई एल, है ना, तो सेल हो गया, इसमें भी हम लोग आई एन जी जोड़ देंगे तो ये सेलिंग हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है, फोर वर्ड्स दैट एंड विथ ए कॉन्सोनेंट, राइट द लिस्ट लास्ट लेटर्स ट्वाइस एंड एडिंग आईएनजी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वैसे वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स में उसको लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको डबल करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे जैसे रन, आर यू एन रन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम लोग इसमें आई एन जी अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, तो आर यू एन और जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं इसको रिपीट कर देना है, ठीक है, उसको दोबारा लिख देना है, तो फिर एक एन यहाँ पे जोड़ देंगे और फिर आई एन जी, तो हो गया ये आपका रनिंग, ओके। जैसे एस आई टी, सिट, अगर इसमें आई एन जी जोड़ना होगा तो फिर इस टी को जो है लास्ट वाले टी को एक बार और लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे, टी हो जाएगा फिर यहाँ एस आई डबल टी, फिर हम लोग जोड़ देंगे आई एन जी, सिटिंग। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में कॉन्सोनेंट होता है, तो वैसे लेटर्स को हम लोग डबल कर देते हैं, जैसे रन में
और लास्ट लेटर जो है वो एन है, तो एन को हम लोगों ने डबल कर दिया, यहाँ पे डबल एन हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने आई एन जी जोड़ दिया। ओके, इसी तरह सीट वर्ड है तो एस आई टी सीट, फिर हमने क्या किया ये लास्ट में टी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो टी को डबल कर दिया, यानी एक और टी ऐड कर दिया, उसके बाद फिर आई एन जी ऐड कर दिया, तो ये हो गया सिटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आई एन जी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, आई एन जी जोड़ते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर वर्ड्स दैट एंड विथ आई ई एंड वाई इन प्लेस ऑफ आई ई एंड एडिंग आई एन जी, है ना। अब करा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आई ई के साथ अंत होते हैं, तो वैसे वर्ड में हम लोग क्या करेंगे वाई जोड़ेंगे। ओके, एड वाई और इन प्लेस ऑफ आई ई, है ना, यानी आई ई के जगह पर वाई को ऐड करेंगे और एंड फिर आई एन जी एंड एड आई एन जी, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे आई एन जी ऐड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एल आई ई लाई, है ना। अब ये इसके अंत में क्या आ रहा है आई ई, तो इसमें हम लोग आई एन जी फॉर्म कैसे जोड़ेंगे, तो कह रहा है कि एल आई ई के जगह पे हम लोग को क्या डालना है वाई, एल आई आई ई के जगह पे वाई डालना है और वाई के बाद फिर ऐड करना है आई एन जी, तो लाई का हो जाएगा लाइन। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं फिर टी आई ई, है ना, तो ये टाई है, तो इसको हम लोग कैसे इसमें आई एन जी फॉर्म जोड़ेंगे, इसके अंत में भी आई ई है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको क्या करेंगे टी और आई ई के जगह पे टी और आई ई के जगह पे क्या बोला ऐड करने के लिए वाई और फिर एंड एड आई एन जी, तो हो गया टाइम। ओके, तो इस तरह से हम लोग आई एन जी फॉर्म बनाएंगे। ओके, अब समटाइम वन वर्ब इज नॉट इनफ टू कम्प्लीट ए सेंटेंस, कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ब से कोई कम्प्लीट सेंटेंस जो है कम्प्लीट नहीं होता है, तो देयर फोर वी सी दैट वी ऑफन हैव द यूज वर्ब्स लाइक एम इज एंड आर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं इज एम आर का यूज करते हैं, है ना, और उसके साथ हम लोग जो वर्ब होता है आई एन जी वो यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में देखा था कि आई एम ईटिंग, ईटिंग एक वर्ब है लेकिन सिर्फ ईटिंग से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एम आई के साथ एम जोड़ा है, तरुण के साथ इज जोड़ा है ना, रोहन एंड मीना ये दो प्लूरल्स फॉर्म है इसलिए यहाँ पे फिर आर लिया गया है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इज एम आर का यूज हुआ है ना, तो कभी कभी जो है सिर्फ जो है एक ही वर्ब से काम नहीं चलता है, दो दो वर्ब लेने पड़ते हैं, है ना, और साथ में आई एन जी वर्ब्स होते हैं, सो डैट सेंटेंस में कंप्लीट सेंस, तो जो है इससे सेंटेंस का कंप्लीट सेंस पूरा होता है। जैसे आई एम ईटिंग हम लोग देख रहे हैं, यू आर स्लीपिंग, रतन इज सिंगिंग, है ना, आई एम ईटिंग यानी मैं खा रहा हूँ, यू आर स्लीपिंग यानी तुम सो रहे हो, रतन इज सिंगिंग यानी रतन गा रहा है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब नीचे है एड आई एन जी करेक्टली टू दीज वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे सीयू एस सी डब्ल्यू उसके बाद सी वाई सी एल ई उसके बाद देख रहे हैं जी ई टी उसके बाद है नेक्स्ट है ग्रीन फिर है नेक्स्ट मेक। ओके, ठीक है, तो हम लोग एड आई एन जी करेंगे। अब देखिए जैसे फर्स्ट वर्ड है एस ई डब्ल्यू, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे आई एन जी जोड़ेंगे एस ई डब्ल्यू आई एन जी स्विंग मतलब सिलाई। उसके बाद नेक्स्ट है साइकिल सी वाई सी एल ई, साइकिल का हो जाएगा साइकिलिंग सी वाई सी एल आई एन जी साइकिलिंग। नेक्स्ट वर्ड है जी ई टी, जी ई टी गेट, तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे जी ई जो लास्ट में टी है उसको डबल कर देंगे फिर आई एन जी जोड़ देंगे गेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन जी आर आई एन ग्रीन, इसमें क्या हो जाएगा फिर जी आर आई डबल एन, एन को लास्ट वाले वर्ड को रिपीट करेंगे फिर इसमें हम लोग आई एन जी जोड़ देंगे ग्रीनिंग। ओके, नेक्स्ट है मेक,
हम लोगों ने अभी पढ़ाया कि ई को साइलेंट वाले ई को जो है और ड्रॉप करके वहां पे आई एन जी हम लोग जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा एम ए के आई एन जी मेकिंग, राइट। तो ये आपका इस तरह से आई एन जी फॉर्म एड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग आई एन जी टू दिस वर्ब्स। अब नीचे जो है फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और यहाँ जो वर्ब दिए हुए हैं ऊपर में उसमें आई एन जी को एड करना है। चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट है प्रीति हियर्स ए बर्ड सिंगिंग। फर्स्ट में क्या हो जाएगा एस आई एन जी सिंगिंग। सेकेंड वेन द वॉटर बॉइल्स द केटल स्टार्ट विशलिंग, यानी सीटी मारना स्टार्ट करता है डब्ल्यू एच आई एस टी एल आई एन विशलिंग। थर्ड देयर इज ए लार्ज क्रोकोडाइल इन द रिवर यानी स्विमिंग एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी स्विमिंग। फोर्थ द डॉग इज वैगिंग डब्ल्यू ए डबल जी आई एन जी वैगिंग मतलब हिलाना है ना, वैगिंग वैग मतलब होता है हिलाना। नेक्स्ट फाइव द स्पोर्ट्स मैन प्रैक्टिस इज रनिंग आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग एवरी डे। वी शुड नॉट कट डाउन ट्री यानी कटिंग डाउन सी यू डबल टी आई एन जी कटिंग डाउन ट्रीज। ओके तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरा हो गया, यानी हम लोगों ने सिंग में आई एन जी लगा दिया, सिंगिंग विसलिंग स्विमिंग वैगिंग रनिंग एंड कटिंग। ओके तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट में सिंगिंग, सेकेंड में विसलिंग, थर्ड में स्विमिंग, फोर्थ में वैगिंग एंड फिफ्थ में रनिंग एंड सिक्स जो है वो आपका कटिंग हो गया। तो इसको आप करिए और नोटबुक में नोट डाउन करिए, बनाइए, रिवाइज करिए। ओके हैव ए गुड डे।